इंडो नेपाली खुली सीमा तस्करों के लिए मुफीद साबित हो रही है। तस्कर सीमा क्षेत्र के आरंपरिक और पगडंडी रास्तों से तस्करी कर मादक पदार्थ भारतीय क्षेत्र में लाते हैं। कहीं न कहीं दोनों देशों के नाबालिगों को भी पैसे की लालच देकर इस अवैधानिक काम में इंगेज किया जाता है और बच्चे तस्करों के लिए कैरियर काम करते हैं। इससे उनका भविष्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बीती शनिवार को शाम निचलौल SDM प्रमोद कुमार SV कमांडर ने संयुक्त टीम के साथ मिली सूचना पर ठोटीबारी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव नौवा बारी में बड़ी मात्रा में स्क्रैप बैटरी पकड़ा। सूचना के मुताबिक यह बैटरी स्क्रैप नेपाल से तस्करी कर भारतीय क्षेत्र में रखी गई थी, जहां से लोड कर कहीं ले जाने के फिराक में थे। तभी SSB की संयुक्त टीम के साथ SDM प्रमोद कुमार ने पहुंच गए और तस्करी की लगभग 12 टन बैटरी स्क्रैप जब्त कर एक ट्रक NL01G188198 को सीज कर अग्रिम कार्रवाई हेतु कस्टम को सौंप दिया। SDM प्रमोद कुमार ने बताया कि SDM की SSB की संयुक्त टीम के साथ तस्करी की बैटरी स्क्रैप लदी एक ट्रक को सीज कर कस्टम को सुपुर्द कर दिया गया है। SDM ने बताया कि यह बैटरी स्क्रैप बहुत ही खतरनाक है, इसके संपर्क में आने वालों को खतरनाक बीमारी भी हो सकती है, लेकिन चंद रुपए के लालच में लोग हथेली पर जान रख अवैध कार्य कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ऐसे कार्यों पर लगाम लगाने के लिए कटिबद्ध है। जहां भी तस्करी की शिकायत मिलेगी ऐसे ही कार्रवाई जारी रहेगी। अभी हमें सूचना मिली कि नेपाल से लाया गया जो है स्क्रैप बैटरी जी सर यहाँ पे ट्रक में लादा जा रहा है जी सर। तो इसी के साथ मेरे द्वारा और संयुक्त रूप से जो है असिस्टेंट कमांडेंट जी और हमने संयुक्त कार्रवाई किया, जिसमें एक ट्रक जो है करीब करीब 9 टन के करीब जो है बैटरी का स्क्रैप लादा जा चुका है। लगभग 3 से 4 टन जो है अभी वहाँ पड़ा हुआ है। इसको जो है कस्टम भेजा जा रहा है, जितना आएगा फिर उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में पेपर मिलता है इंडिया में बात नहीं कर रहे हो कि बैटरी ला दे हो जो नेपाल से लाए हो, इसका पेपर है नेपाल से वहाँ पेपर इंडिया से दिया जाता है। अरे इंडिया कहाँ है, ऑर्डर को खड़े हो बैटरी इतना कहाँ सर, इतना बैटरी कहाँ से है? या से भी आता है तो दुकानदार भी लेके अच्छा उधर दिल्ली से भी मंगाते हैं। हाँ चलो अभी इसे सस्ता होगा, अभी तुम्हारे स्क्रैप लेके जाते हैं और भूसा अनाज ये सब भी खाते हैं कागज में। ये चीज़ तो सरासर गलत है, फर्जी कागज दिखाना। मेन चीज़ है कि ये सब चीज़ें स्क्रैप नेपाल से आ ही नहीं सकता है, क्योंकि नेपाल तो एकदम बंद हो, इन्वायरमेंट बहुत खतरनाक है जी बिल्कुल। ये जो इसमें लेबर लगे हुए हैं पूरा सीधे कैंसर होगा, बहुत कोई बीमारी नहीं सीधे कैंसर होगा बिल्कुल। लेकिन वो 100 रुपये 200 रुपये के लिए अपने हो रहे हैं काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।